और क्या बागेश्वर बाबा गिरफ्तार होने वाले हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा बिहार के दौरे से पहले से ही आप जानते हैं नीतीश के मंत्री ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने नफरत फैलाने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह आडवाणी जेल गए थे उसी तरह कथावाचक भी जेल जाएंगे। बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। बिहार आ रहे हैं 13 मई से और पटना आ रहे हैं। बिहार में गिरफ्तार होंगे बाबा बागेश्वर। नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। हिंदुत्व का एजेंडा, विरोध का झंडा। भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है ना, ऐसे ही लोग पार लगाते हैं जिनके पास न कोई विजन होता है न कुछ होता है। बाबा की ललकार, करारा जवाब मिलेगा। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। धीरेन्द्र शास्त्री बांधेंगे विरोधियों की ठठरी। वो कह रहा कि बागेश्वर धाम के बाबा को जेल में होना चाहिए और यही जगता बाबू है जिन्होंने बयान दिया था कि नफरत की भूमि पर राम जन्मभूमि का मंदिर बन पाए। ये पहली बार है जब कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार बिहार में लगने वाला है, लेकिन बाबा के बिहार पहुंचने से पहले ही विवादों का पर्चा कट चुका है। बिहार में बाबा के खिलाफ सियासी विरोध की आंधी चल रही है। बिहार में 5 दिन का है दरबार, लेकिन हंगामा हो रहा है जोरदार। एक तरफ है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें समर्थन दे रही है बीजेपी, दूसरी तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल। बाबा का मई में कार्यक्रम है और सियासी पारा हाई है। तेज प्रताप यादव के बाद कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चेतावनी दे दी है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में बाबा बागेश्वर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। ये लोग जो धर्म के नाम पर व्यवसाय करते हैं ना, इनके खिलाफ संघर्ष है। वो आने जाने से प्रजातंत्र है, कोई कहीं आ जा सकता है, उसको छोड़िए ना। लेकिन ये कह रहा हूँ कि वो जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगी। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं, उसे क्या मतलब। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। बाबा बागेश्वर को जेल में डालने की धमकी देने वाले ये वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। चंद्रशेखर ने कहा था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। तो युवान बच्चे, युवान बहने हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले बाबा बागेश्वर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि बिहार में सियासी पार्टियां ही उनका रास्ता रोक देंगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और उसके तमाम बड़े चेहरों ने एक आवाज में बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा के खिलाफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने तो अपनी सेना ही खड़ी कर दी और अल्टीमेटम दे दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ तो उसके जिम्मेदार बाबा होंगे। वो कह रहा कि बागेश्वर धाम के बाबा को जेल में होना चाहिए और यही जगता बाबू है जिन्होंने बयान दिया था कि नफरत की भूमि पर राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है। भी संत है, महात्मा है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आप प्रतिबंध लगाकर किस आधार पर रोकेंगे आप? अगर आप रोकेंगे तो इसकी भयंकर प्रतिक्रिया होगी समाज में। बिहार में किसी बाबा की जरूरत नहीं,
बिहार में नीतीश कुमार की ज़रूरत है, नीतीश कुमार को लोगों ने चुन लिया है और नीतीश कुमार जी अब देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी है। क्यों कोई बाबा ओबा यहाँ पे ये सब वेलकम कर रही है उनका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नैया जो है ना, ऐसे ही लोग पार लगाते हैं जिनके पास ना कोई विजन होता है ना कुछ होता है। विवाद इतना बढ़ गया कि पटना के गांधी मैदान में निर्धारित कार्यक्रम को अब पटना में ही शहर के बाहर नौबतपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। बाबा के कार्यक्रम की बड़ी तैयारी की गई है, हजारों वॉलेंटियर की तैनाती की गई है। पटना में बाबा के समर्थन में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बिहार सरकार से मांग करते हैं ऐसे बाबा को एंट्री ना हो।